राजनीति में इन दिनों स्टेटमेंट्स का दौर चल रहा है, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप, और कोई भी पार्टी कोई भी नेता अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार का मौका नहीं छोड़ना चाहता। और इसी सिलसिले में लेटेस्ट बयान आया है कंगना रनौत का, बीजेपी के टिकट पर हिमाचल से चुनाव लड़ रही है वो, और जो उनका नया स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रही है, काफी गुस्से में वो साउंड कर रही है और ये कहती हैं कि कांग्रेस जो है दरअसल वो दीमक है, कांग्रेस को दीमक बताती हैं, परिवारवाद की दीमक की बात करती हैं, और साथ ही ये कहती हैं कि वो कांग्रेस को अंग्रेजों का अंश मानती है। तो कांग्रेस को अंग्रेजों का अंश मानती है कंगना रनौत, और ये कहती हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई बीमारी है। कंगना को कांग्रेस में बीमारी दिखाई देती है, कंगना को कांग्रेस में दीमक दिखाई देती है। अब पहला मौका नहीं जब इस तरह से कंगना रनौत ने कांग्रेस को लेकर इतना बड़ा बयान दिया हो, इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर और कांग्रेस पार्टी पर अपने हमलों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। इसी पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि इस पर काफी, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर काफी बवाल हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एक सोच है और ये सदियों पुरानी सोच है। तो आपको बता दें हमारे साथ सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दुष्यंत नागर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अनुज अत्रे हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ सिद्धार्थ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के। लेकिन कंगना ने क्या कहा है जल्दी से हम सुनवा देते हैं। सिद्धार्थ मैं वापस आपको देती हूँ, वापस मंच देती हूँ, जरा सुन लीजिए। खा दिया था 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था, फिर उसका सुपुत हुआ नेहरू, उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया, उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ, जो मर्जी करी 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए, संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी, मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में, जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। वो सीधे तौर पर यहाँ पर कह रही हैं कि दीमक है, कह रही हैं कि पूरा जो फैमिली ट्री है गांधी फैमिली का वो उन्होंने यहाँ पर सबके सामने रख दिया, और उनका कहना ये है कि इस दीमक को रोकना जरूरी है और बीमारी वो बता रही है। पहले तो सिद्धार्थ मैं आपका जवाब यहाँ पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि हार के डर की बात कंगना रनौत में बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही कांग्रेस समर्थक जो है वो कह रहे हैं, उसके बाद अनुज अत्रे मैं आपको फ्लोर दूंगी, जल्दी जल्दी प्लीज। सिद्धार्थ आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए आपको मेरी आवाज सिद्धार्थ आ रही है अदिति तक जी? आवाज, आपने शायद खुद को म्यूट किया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट कर लें प्लीज। मैं भी अनम्यूटेड हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है अदिति? सिद्धार्थ आप खुद को अनम्यूट कर लें प्लीज। मेरे चलिए मैं अनम्यूट तो कर ये लिया है, करती हूँ, जो देखो आप टेक्निकल ग्लिचेस को फिक्स करा लेते हैं। लेकिन कंगना ने क्या कहा है एक बार फिर से, जो हमारे पैनलिस्ट है उनको भी सुनवा देते हैं, और जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है उन्हें भी हम सुनवा देते हैं कि किस तरह से कंगना रनौत जो है वो फैमिली परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। कंगना रनौत जो है वो कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का अंश बताती हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा हमला हमेशा से रहा है। जरा सुनिए एक बार फिर से। ये जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, कोई पीछे से चेक एक कर सकता है तो चेक, जो प्लीज चेक कांग्रेस माय की ऑडियो। दीमक अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर,
और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत हुआ नेहरू, उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ, जो मर्जी करी 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए, संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में, जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। यहाँ पर कई सारे सवाल कंगना रनौत उठा रही है। पहले तो सिद्धार्थ, अगर आवाज ये जो टेक्निकल ग्लिच अगर फिक्स हो गया तो मैं चाहूंगी आप जवाब दें, क्योंकि अभी दुष्यंत नागर सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि डर है हार का, इसीलिए इतिहास का एनकाउंटर करनी है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें। जल्दी से सिद्धार्थ। अदिति आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अदिति आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? अदिति आपको आवाज आ पा रही है? I think audio जो है वो delayed है। जब हम सिद्धार्थ तक बात कर रहे हैं तो करीब 15-16 सेकंड का डिले है, अगर हम इस चीज को फिक्स। जी आपको आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? चलिए मैं इतने में अनुजात्री आपका एक कमेंट ले लेती हूँ। वो कह रही है कि इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह नहीं हुआ। वो कह रही है कि जब वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले तब कुर्सी जो थी वो पंडित नेहरू को दे दी गई। वो कह रही है कि सोनिया गांधी इटालियन थी, राजीव गांधी की वाइफ थी, ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती, लेकिन फिर भी पावर वो अपने पास रखना चाहती थी। जल्दी से आपका जवाब। असलियत में हकीकत में सत्य में तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि उन्होंने माननीय मोतीलाल जी नेहरू साहब के बारे में कहा, माननीय मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के मेंबर थे, वो कोई उद्योगपति नहीं थे, अंबानी की तरह कोई पूंजीपति नहीं थे, देश के एक जाने माने अधिवक्ता थे, वकील थे। उनको उनकी सेवाओं को हम देखें तो कांग्रेस पार्टी में जो स्वराज्य का नारा दिया 2020 में, उसकी प्रेरणा स्रोत पंडित मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, पार्टी में लोकतंत्र लाने के लिए नेहरू जी ने शुरुआत की, और पूर्ण स्वराज्य की बात अगर किसी ने की तो वो पंडित नेहरू जी के, पंडित मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र कांग्रेस के अध्यक्ष। सवाल को समझिए, वो ये कह रही है कि जब वोट सरदार पटेल के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो जो कह रही है वो कह रही है वोट बड़ा सरदार पटेल के लिए, कुर्सी मिल गई पंडित नेहरू को। वो कह रही है इंदिरा गांधी से बड़ा कोई तानाशाह नहीं हुआ। वो कह रही है कि राजीव गांधी को विरासत में कुर्सी। मैं क्रमवार जवाब देना चाहूंगा अगर आप अनुमति देंगी। ये बहुत बड़ा झूठ देश में चलता है कि वोट पड़ा नेहरू जी के लिए, वोट पड़ा पटेल जी के लिए और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उससे पूर्व में ही स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल स्वर्ग सिधार गए थे, वो मौजूद ही नहीं थे दुनिया में, तो उनका हक कैसे मारा गया? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ संविधान लागू होने के बाद, उससे पूर्व में उनकी उनका निधन हो चुका था। तो ये देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी मैडम के पास है। राजीव जी देश में पहली बार चुन के आए युवा नेता। मैं दो 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 बातें दो बातें दो बातें कह लूं। एक सेकंड दुष्यंत जी, मैं वापस आपको फोन दे रही हूँ, प्लीज
सौरभ दुबे ये कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो कंगना रनौत अपनी स्पीचेस में यूज कर रही हैं। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है नहीं है, लेकिन नागर साहब ये तो बताइए कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो किसने की थी? वो तो ए ह्यूम ने ही की थी ना कांग्रेस की स्थापना। कौन था वो? ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक सदस्य थे उनका पुत्र था, और उसने कांग्रेस की स्थापना किस मकसद से की थी? उसने ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की थी। उसने कहा था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है वो हिंदुस्तान के अंदर मजबूत हो, इसलिए कांग्रेस जो पार्टी के वो संस्थापक थे, जब कांग्रेस पार्टी बनाई गई उसलिए बनाई गई। तो ये तथ्यात्मक रूप से गलत आप साबित कर सकते हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बिल्कुल गलत है? नहीं सुन लीजिए, पंडित राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, क्या उनका विरोध नहीं किया था? क्या उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जो पहली समिति बनी थी जो है उसका विरोध नहीं किया था? क्या उनके मतभेद लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं थे? ये लगातार आप किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई किसी की इतिहास, आप वामपंथियों की किताब पढ़ लीजिए जिनके सहारे आप, जिनके कंधे पर बंदूक रखी। हंसी आती है मुझे में लिखा हुआ नागर साहब, हंसिए, देखिए हंसिए, रोइए। जवाब दीजिए, जवाब दे लीजिए, पहले दुष्यंत नागर, उसके बाद अनुज अत्रेय और फिर सिद्धार्थ। देखिए अदिति जी, असहमति का मतलब ही लोकतंत्र है। असहमति तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी कैबिनेट के अंदर बहुत सारे फैसलों को लेके थी, और असहमति रहेगी, इसी का लोकतंत्र का मतलब ये है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा इंदिरा जी के बारे में, इंदिरा जी चुनाव जीतकर मोरारजी देसाई उनके समक्ष उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, पार्लियामेंट के अंदर माननीय सांसद सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया, मत विभाजन हुआ, उससे जीत के आए। इंदिरा जी की निधन के बाद में, उनकी हत्या के बाद में राजीव गांधी ने आम चुनाव कराया, 400 से ज्यादा सीटें लेके जीत के आए, और 1989 के बाद में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पे नहीं है। ये सच्चाई है, उसको जानना चाहिए। और आपने जो कांग्रेस के चरित्र के बारे में कहा, उसके विषय में आपको मैं बताता हूँ, ह्यूम ने कांग्रेस, एक सेकंड दुष्यंत जी, मैंने आपको बहुत टाइम दिया है सर, सब पहले से ज्यादा टाइम आपको दिया, प्लीज अब थोड़ा सा दूसरों को भी सुनिए, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। अनुज अत्रे, कंगना रनौत, परिवारवाद, कांग्रेस दीमक, कांग्रेस अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी, जल्दी से इस पर जवाब। देखिए आपने आज ऐसी महिला के ऊपर एक चर्चा करा रहे हैं जिसपे इस देश में कोई चर्चा करना पसंद नहीं करता, लेकिन आपने कहा है तो उसकी टिप्पणी नहीं, प्लीज। नहीं नहीं, निजी टिप्पणी, जब निजी टिप्पणी कर रही है तो बात करनी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति का, नहीं तो जिस फैमिली की वो बात कर रही है वो एक पब्लिक लाइफ का हिस्सा रही है सर, तो इसलिए प्लीज निजी टिप्पणी नहीं। और ये आपकी निजी ओपिनियन हो सकती है, निजी राय हो सकती है, आपकी इस बात से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, तो प्लीज अब आप मुद्दे पर आएंगे। आप कंगना रनौत की बात से इत्तेफाक रखती है, आप क्या स्वीकार करती है इस बात को? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जो उन्होंने स्टेटमेंट में उठाया उस पर आपका जवाब। मैं क्या सोचती हूँ मेरी राय है। कंगना रनौत ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, उस पर मैं आपका जवाब मांगती। देखिए कंगना रनौत एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बन गई हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह से यूज करने का काम किया है, लेकिन मंडी की जनता, हिमाचल की जनता, हिमाचल की जनता देख रही है कि किस तरह से एक हिमाचल की बेटी होने का दंश भरने वाली और किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। ये वही कंगना रनौत है जिसने पीछे अभी कहा था कि इस देश की आजादी हमको भीख में मिली है अंग्रेजों से, और लीज में मिली है हमारे को ये देश की आजादी, और देश असली आजाद तो 2014 में हुआ है। क्या इस बात से देश इत्तेफाक रखता है? क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो उन्होंने बोला है वो ठीक बोला है? क्या ऐसी व्यक्ति बीजेपी बहुत फोकस रही है सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी परिवारवाद पर, कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला करते रहे हैं, ये तो बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है परिवारवाद को। मैं कंगना रनौत की लाइन की बात कर रहा हूँ, परिवारवाद पे भी हम आ जाएंगे, जो सबसे ज्यादा परिवारवाद पे हमला करते हैं, आज सबसे ज्यादा परिवारवाद उनकी पार्टी में चल रहा है। लेकिन आज आप ये बताइए, मैं कंगना रनौत पे आपने जो चर्चा की है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। क्या हम इस बात को स्वीकार करेंगे, देश स्वीकार करेगा कि हमारे देश की आजादी 2014 में हुई है? ऐसी महिला की मानसिकता के ऊपर क्या देश को सवाल करने का अधिकार नहीं है? मैं कहता हूं कि आखिर किसने इसको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का? इसका तत्काल इसका जो है इस तरह से इस महिला का जो है वहां पे नोटिस हो जाना चाहिए। इसका उसका ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसा उसका इसका जैसे शब्दों का बिल्कुल। देखिए हमारे लिए ऐसी ऐसी अभिनेत्री का कोई सम्मान नहीं है जो इस देश का सम्मान न करे।
जो इस देश की महिलाओं का सम्मान न करे, जो इस देश की और कांग्रेस पार्टी के सम्मान में फर्क होता है, ये कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी का सम्मान और देश का सम्मान दोनों अलग बातें होती है। अपमान करे उसके लिए आप ये मत कहिए कि देश का अपमान कर दिया। अगर किसी की राजनीति से वो इत्तेफाक नहीं रखती तो उसे देश का अपमान मत बताइए प्लीज। सिद्धार्थ, अगर आप आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, उम्मीद है 1947 कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं कह रहा है देश 2014 में आजाद हुआ है, किसी ने नहीं। कंगना रनौत बोला, किसने कहा 2014 में देश आजाद हुआ, किसने कहा? कंगना रनौत है जिसने देश के बीजेपी ने खुद मनाई ना 75वीं वर्षगांठ, 75th एनिवर्सरी मनाई ना, अमृतकाल मनाया ना, तो फिर क्यों आपको क्या उसमें क्या डाउट है? आपको ऐसा सवाल क्यों पूछा? डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन हमें निंदा करनी चाहिए ऐसी महिला की, ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश में रहने का अधिकार नहीं है। देश के ऊपर सवाल ऐसी महिला की निंदा नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी क्लियर किया, कांग्रेस से सवाल देश से सवाल नहीं होता, बीजेपी से सवाल देश से सवाल नहीं होता, प्लीज अब जवाब लीजिए। सिद्धार्थ यादव जवाब अदिति जी, मेरी आवाज हो सकती है? अदिति जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? अदिति जी जी आ रही है बिल्कुल, नाउ इट इज परफेक्टली फाइन, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच अदिति जी। अभी दुष्यंत जी काफी बातें कह रहे थे और जितनी बात मैं सुन पाया टेक्निकल एरर से पहले, उन्होंने पहले तो कहा 70% कांग्रेस भाजपा में आ गई है, 30% बची है क्या कांग्रेस पार्टी? मतलब अगर 30% बची है फिर तो आपका क्या हाल होने वाला? छोड़ने वाले मैं ये कह रहा हूँ सिद्धार्थ जी, करेक्ट करिए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, नहीं करेक्ट कर लीजिए, अब जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उसमें से 70% भाजपा में गए हैं। दुष्यंत जी प्लीज देखिए, पहली बार उन्होंने बोलना शुरू किया है, बहुत मुश्किल से उनकी आवाज अब तक पहुंच पाई है टेक्निकल ग्लिच की वजह से, लेट्स बी फेयर टू एवरीवन, है ना? आपको भी बुरा लगता ना बोले बात सुन लीजिए, मैं वापस आपको फ्लो दे दूंगी। आप सबको बात करने के लिए बुलाया है और अब तो हम डिजिटल पर हैं, ऐसा भी नहीं है कि ब्रेक लेने की कोई मजबूरी है, मैं दे दूंगी आपको मंच वापस, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जवाब लीजिए उनका और फिर मैं आपको वापस मंच दे दूंगी। चलिए अब मैं उस पर बात करता हूँ जो कंगना जी की स्टेटमेंट से आप इन्फर कर रहे हैं। देखिए अदिति जी, इस बात से कोई दोराहे नहीं निकाले जा सकते कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां आज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी से प्रभावित रही है। मैं क्यों ना मानूं ऐसा, मैं देश का एक युवा हूं, 1906 में पहली बार हमारे देश में अंग्रेजों ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए और उनने मुस्लिम लीग को अपीज करने के लिए एक माइनॉरिटी विशेष को आरक्षण दिया। आज कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उन्हीं बातों को लिखती है, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए, वो देश में जजेस तक की नियुक्ति में धर्म के आरक्षण की बात करती है। तो मैं क्यों ना मानूं कि ये कांग्रेस से प्रभावित है, मैं ये अंग्रेजों से प्रभावित होने वाली कांग्रेस है। मैं क्यों ना मानूं जब कांग्रेस पार्टी, जैसे अंग्रेज भारत को लूट के गए थे, कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे काल के कार्यकाल में भारत को लूटने का ही काम किया। इतने स्कैम्स कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में किए, कोई एक देश का कार्यक्रम ऐसा नहीं था, कोई एक देश की योजना ऐसी नहीं थी जिसको कांग्रेस पार्टी ने नहीं लूटा हो। और इसीलिए ये जो नीतियां कांग्रेस पार्टी की है, ये जो एक परिवारवादी सोच कांग्रेस पार्टी की है, मतलब देखिए इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, मैं बस 10 सेकंड लूंगा अदिति जी। अंग्रेजों का शासन भी एक परिवार से चलता था, कांग्रेस का शासन भी एक ही परिवार से चलता है, ये क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उस अंग्रेजियत की सोच से कांग्रेस पार्टी का आज देश की जनता वो सवाल पूछ रही है और कांग्रेस पार्टी को उसका आकर के जवाब देना चाहिए। क्यों है ऐसा कि सब क्वीन का शासन लेकर आए थे जी जी, अंग्रेजों के टाइम पर भी जी जी जी, और बड़ा बड़ा दुख का बात है। देखिए जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके पूरे परिवार को आजादी के आंदोलन के दौरान खत्म कर दिया गया था, उनकी माता जी को मार दिया गया था, उनका कत्ल हो गया था, उनके और परिजनों का कत्ल कर दिया था, उनके पिता अपने बेटे को लेके 5 वर्ष के थे जंगल में रहने को मजबूर हुए थे। आप एक जिनके परिवार ने शहादत दे दी, और जो खड़गे जी पूरा उनका जीवन त्याग सेवा का एक मिसाल है, उनको आप अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं, क्वीन के परिवार से तुलना कर रहे हैं। मैं समझता हूं सिद्धार्थ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, युवा है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, एक दलित नेता का और वो भी इतना बड़ा नेता जिसका दूसरा विकल्प नहीं। शहादत दी है, राजीव गांधी का किस तरीके से बॉम्ब विस्फोट में उन्हें असैसिनेट किया गया, वो कह रहे हैं जिन परिवारों ने देश के लिए योगदान दिया है, कम से कम आप उन्हें क्वीन के साथ कंपेयर मत कीजिए।
मैं दो छोटी बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो दुष्यंत जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार की तुलना क्वीन के परिवार से की जा रही है। मैं किस परिवार की तुलना कर रहा था वो दुष्यंत जी जानते हैं, पर उस पर वो कमेंट नहीं करना चाहते, साइड का रास्ता पकड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार में जा रहे हैं। खैर छोड़िए, मैं दूसरी बात कहता हूं। एक आग्रह है मेरा दुष्यंत जी से और देश के सभी लोगों से, इस देश को आजादी दिलाने में करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान और योगदान दिया है। ये जो क्रेडिट मॉन्गरिंग है, ये जो क्रेडिट मॉन्गरिंग है कांग्रेस पार्टी की, क्या आप चाह लें कि जो आज की नेहरूवियन कांग्रेस पार्टी है या आज का जो एक विशेष परिवार है वो सब कुछ ले ले, वो सारा क्रेडिट ले ले और करोड़ों लोगों की शहादत को हम भूल जाएं? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस देश की आजादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान उनको स्विच करके पहले अनुजात्रे और फिर सौरभ दुबे, प्लीज सबको थोड़ा थोड़ा वक्त मिलना चाहिए सर, प्लीज पहले अनुजात्रे। हाँ देखिए अदिति त्यागी, आपने मुझे उस समय रोक दिया। मैं अभी जिस तरह से कंगना रनौत ने आज जो बयान दिया है उस बयान से ही हमें चाहिए कि हम सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए। आज इस देश के उद्योगपति को उन्होंने किस तरह से बोला है, और ये बात सत्य होगी कि जो बार बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बोलते हैं तो वही बात कंगना रनौत ने बोली, लेकिन कंगना रनौत उससे भी आगे बढ़ गई है। जो उन्होंने अंबानी को एक इस तरह का कैरेक्टर बताया है कि जो अंग्रेजों के नजदीक रहे, क्या अंबानी आज अंग्रेजों के नजदीक है और इस तरह का देश के जो जिन्होंने देश को गुलाम किया था उसकी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं? क्या ये कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है, आज यही विचारधारा है, इसी बात को लेकर के देश की जनता के बीच में जा रहा है? अंबानी कहां से आ गए इसमें? क्यों कंगना बाद में अंबानी को लाने के जरूरी है इस देश में? कंगना रनौत ने नेहरू मैं आपसे जो बातें कह रही हूं सुनिए सर, मैं कंगना रनौत के किस स्टेटमेंट की बात कर रही हूं वो स्टेटमेंट जरा प्ले कर देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत ने कोई अंबानी को लेकर टिप्पणी की है। सर कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद, उसे लेकर दीमक और बीमारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। सर आप इस डिस्कशन को कहां लाइन चलाई है? कंगना रनौत ने जो नेहरू जी के लिए जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग, मैंने चलाई नहीं है, मतलब बोल रही है, बहुत सुनिए ना आप, सुनिए मैं ये एक काम करती हूँ। कंगना रनौत ने क्या कहा है एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग, अनुज जी देखिए मैं लड़ना नहीं चाहती, बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या देखा है मैंने, क्या सुना है। आप भी एक बार फिर से सुनिए कंगना रनौत ने क्या कहा है। मैंने नहीं चलाई लाइन, कंगना रनौत ने कहा, मैंने सिर्फ वही कहा है जो कंगना रनौत कह रही है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ। जरा सुन लीजिए क्या कह रही है कंगना रनौत, आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलाइए जरा 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का, मैं इनको अंश कहती हूं क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू आप सोच लीजिए उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था, फिर उसका सुपुत हुआ नेहरू, उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया, उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ, जो मर्जी करी 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए, संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी, मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में, जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं? कंगना रनौत यहाँ पर कह रही है जो व्यक्ति इस देश की संस्कृति और इस देश की भाषा को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को हैं, ये बड़ी बात यहाँ पर। अनुज जी मुझे यकीन है कि आपने पूरा रूम का स्टे हो गया, आपने पूरे इस बयान में से सिर्फ अंबानी उठाया,
बाकी सब आप भूल गए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तानाशाह। अनुजात्रे जी आवाज पहुंच रही? हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको आदित्य जी? अनुजात्रे आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप? चलिए उन तक इस वक्त आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुष्यंत, हाँ जी 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 जी, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल आ रही है, एकदम लाउड एंड क्लियर आ रही है सर। हाँ देखिए बिल्कुल, आप भी वही सुनना चाह रही हैं जो आपको सूट करता है। जी जी आ रही है, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? मुझे आ रही है आपकी आवाज, क्या मैं am I audible, मेरे सुन पा रहे हैं? नहीं 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 सर, मैं वो नहीं सुनना चाह रही जो मुझे मुझे कुछ भी सूट नहीं करता। हाँ आप अपनी बात रखिए सर, मैं बिल्कुल वो नहीं, मुझे कुछ सूट ही नहीं करता एक्चुअली। द आंसर इज मुझे कुछ सूट ही नहीं करता, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ। इतने सारे नामों के बीच आपको सिर्फ अंबानी का नाम याद आ रहा है, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। देखिए आपके सवाल अगर हो गए तो मेरे को जवाब, मुझे जवाब देने दीजिए, थोड़ा मुझे बिना टोके आप बोलने देना चाहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो कोई शो में रहने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए कंगना रनौत की एक भी बात ऐसी नहीं है जिस पे किसी प्रकार की कोई चर्चा की जाए, जो उनकी मानसिकता है, जिस महिला की मानसिकता वो हो, जो इस देश के बारे में इस तरह के अपशब्द बोलती हो, जो इस देश के राष्ट्रपिता के बारे में बोलती हो कि एक कायर थे, एक कमजोर नेता थे, जो इस तरह की बात करती हो, जो जो मुंबई को, हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है, उसको बोलती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह मुंबई हुआ हुआ है, तो आप क्या सोचिए? जो अपनी को स्टार्स के लिए, जो उर्मिला मातोंडकर के लिए उस तरह से बोलती है कि एक सॉफ्ट पोर्न स्टार है, वो यहां तक अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाती कि एक महिला होने के नाते दूसरी महिला कलाकार अपनी साथी कलाकार के लिए किस किस तरह के, जिस इंडस्ट्री ने उसको रोजी रोटी दी, फेम दी, वहां पर तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज पैदा करके वो आई है, और राजनीति में जब से आई है तब से उसको ये नहीं समझ में आ रही कि राजनीति कि किस तरह का ये मंच है, ये कलाकारी का मंच नहीं है, ये अदाकारी का मंच नहीं है, यहाँ जो बोलोगे आपको वही जनता के सामने जाएगा, ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन नहीं है, ये जनता के सामने लाइव स्क्रीन है, और जो बात बोलोगे वो आवाज पकड़ी जाएगी। ये क्या बात है, कलाकारी का मंच नहीं है, अदाकारी का मंच नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? ये देश का अपमान, देश का सम्मान बहुत अहम होता है किसी भी राजनेता के लिए। अगर आप अदाकारी का मंच नहीं, अदाकारी का मंच नहीं, आपकी राय हो सकती है, ये आपकी राय हो सकती है सर, जो ऐसी महिला की बात सुनकर के जो राय सबकी होनी चाहिए, एक आम भारतीय की होनी चाहिए, वही मेरी राय है, वही मेरे को भी, जो सब आम देशवासियों को बुरा लगे भले ही बात, ऐसी महिला क्या होता है, ऐसी महिला क्या होता है, जब वो राष्ट्रपिता के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में हिपोक्रेटिक बोले, आपकी राय जो होगी वो आपकी राय है, देश की राय जो है वो 142 करोड़ लोगों की राय है। जवाब लीजिए बीजेपी से, सिद्धार्थ यादव से जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए सर, अब ना रूम से कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया, जवाब दीजिए आप। अदिति जी सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि अगर अनुज अत्रे यहाँ पर बैठकर के इस भाषा का प्रयोग करें कि ऐसी महिला की कही हुई बात पर जो राय होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसी महिला, ये क्या ऑब्सेशन हो गया आपको कंगना जी से? इसने उस पर पहले भी आपत्ति दर्ज करा चुकी है सिद्धार्थ जी। ये कैसा ऑब्जेक्शन है, ये कैसा ऑब्सेशन है कांग्रेस पार्टी का कि जिस दिन से कंगना जी ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है उस दिन से इनकी पार्टी उनके पीछे हाथ जोड़ के पड़ी हुई है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अनुज जी, मेरे को आप क्यों अभद्रता कर रहे हैं, सुनिए ना बात को। देखिए अगर कांग्रेस पार्टी के ऑब्जेक्शन हो जाए और उनको ये बात नहीं बच पा रही कि कैसे कोई एक सेल्फ मेड वुमन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो ऐसे उदाहरण कम होंगे, या तो डायनेस्ट मिलेंगे या फिर करप्ट लोग मिलेंगे, पर कोई सेल्फ मेड अपने काबिलियत पर खड़ी हुई किसी इंडस्ट्री में नाम कमाई हुई महिला राजनीतिक क्षेत्र में आ गई, तो पहले दिन से क्या ट्वीट किया था इनकी एक प्रवक्ता ने, महिला प्रवक्ता, मैं उनका नाम तक नहीं लेना चाहता यहाँ पर, क्या कहा था, क्या उन्होंने इंस्टाग्राम पे उनके लिए लिखा था, क्या टैगलाइन थी, मैं नहीं कह सकता। ये जो इस सोच की कांग्रेस पार्टी हो अगर, तो उसमें क्या बात कही जाए। दूसरी बात, अभी बहुत एक चर्चा हो रही थी, मैं एक आग्रह करूंगा दोनों, दुष्यंत जी से और अनुज जी से भी, एक आर्टिकल जाकर के पढ़िएगा, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इंग्लैंड के एक अखबार द गार्डियन ने, उनका नेशनल डेली है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द डे व्हेन फाइनली ब्रिटिश लेफ्ट द इंडिया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब तक कांग्रेस पार्टी राज करेगी इस देश में तो वो ब्रिटिश की ही जो नीतियां थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेगी, वेस्ट की जो नीतियां थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीयता के आधार पर, जो भारत सेंट्रिक पॉलिसीज है उनके आधार पर पूरे विश्व भर में अपना दम दिखा सकती है। उसी का परिणाम 10 सालों में दिखा है अनुज जी, उसके अलावा नहीं दिखा आपको, नहीं तो ऐसा कैसे होता था कि जिस इकोनॉमी का सोना गिरने लगा पड़ गया, जो
दुष्यंत नागर आवाज आ रही है? चलिए दुष्यंत नागर तक आवाज नहीं जा रही। अनुज अत्रे जी बताइए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही है जिसने भारतीयता के साथ शासन किया, जिसे भारतीयता का एहसास है। अच्छी बात है, हम कहते हैं होना चाहिए और हर भारतवासी को, हर राजनीतिक दल को भारतीयता का एहसास होना चाहिए, लेकिन वो एहसास के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं आपकी नीतियों में, आपके कार्यकलापों में दिखना भी चाहिए। ये कौन सी भारतीयता है? आप जिन जिन वादों के साथ, जिन जिन नारों के साथ आप सत्ता में आए, आप शासन में आए 2014 में, आपने सब काम उसके उल्ट किए। आपने इस देश में रोजगार देने की बात की, महंगाई खत्म करने की बात की, महिलाओं के सम्मान करने की बात की। आप बताइए कि क्या हुआ, क्या रोजगार आप दे पाए, देने में सक्षम हुए? ये आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, एनएसएसओ की रिपोर्ट है कि इस देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर देश में हुई है तो इस वर्तमान की भाजपा की सरकार के काल में हुई है और गलत नीतियों की वजह से हुई है। ये आप ही की सरकार की देन है, ये आप ही के शासन की देन है कि बीते 70 वर्षों में जिस जवाब ले लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं। पूरी बात होने दीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सवाल किया तो आप पूरे देश के ऊपर 70 सालों में जो है केवल 55 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा था और आपने इन 10 सालों में उन 55 लाख करोड़ रुपए का 200 लाख करोड़ रुपए विदेशी। अब जवाब की हिम्मत रखिएगा ना जी, कर्जा बढ़ा रहे हैं। जवाब ले लीजिए, ये वही बात है जो हर डिबेट में दर्शक लगातार सुनते हैं, बार-बार सुनते हैं। जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव। सबसे पहली बात तो जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं सीधे उसी का जवाब देता हूं। अगर आपने एनएसएसओ का डेटा पढ़ने की आप में हिम्मत होगी ना अनुज जी, तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। ईपीएफओ का डेटा पढ़ लीजिएगा। विदेशी एजेंसियों का मत पढ़िए। विदेशी एजेंसियां जो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को 24 साल से नीचे कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और जहां पे पार्ट टाइम वर्क किया जाता है दूसरे देशों में, उनके अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया को भारत पे जहां पे सिर्फ पढ़ाई की जाती है उस पर अप्लाई किया जाता है, उस पर मत जाइए, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। दूसरी बात आपने बोली कि 55 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे देश पे, आपको इतनी बात भी समझनी चाहिए कि कर्ज हमेशा, क्रेडिट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द जीडीपी। जो कर्ज होता है वो जीडीपी के तर्ज पे होता है। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो भारत का क्या है दुनिया में, एक बार जाकर के पढ़िए तो। अरे आपके समय में देश के पास पैसा ही नहीं था, कर्जा भी कहां से लाते, कौन कर्जा दे रहा था आपको? पर ये जो हमेशा ऐसा, मैं अंतिम बात कहूंगा, मैं बस चले गए, मैं लाइन पर चले गए, मैं अदिति की अंतिम 10 सेकंड, ठीक है जल्दी से जी अंतिम 10 सेकंड लूंगा। भारतीयता की बात अभी हो रही थी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं बस अनुज जी से। मेड इन इंडिया के मजाक कौन बना रहा था? कौन उस बब्बर शेर का मजाक बना रहा था? आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हम लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, हम डिफेंस स्टेबिलिटी में कितने आगे बढ़ गए, हम खुद बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया का मजाक कौन बना रहा था? पी चिदम्बरम खड़े होकर कहते थे कि गांव में जाइए, कौन यूपीआई को स्कैन कर सकता है? आज जाइए गांव गांव और देखिए, आप लोगों ने भारतीय नीतियों का मजाक बनाया, आपने भारत की काबिलियत का मजाक बनाया। 10 साल में हमने करके दिखाया कि जो 60 साल में आप सोच नहीं सकते थे वो पॉसिबल है इस भारत के अंदर। कंगना रनौत को इस तरह के स्टेटमेंट्स देने की जरूरत क्या है? बार बार कभी कांग्रेस की लीडरशिप पर प्रहार करना, बार बार कभी गांधी पर प्रहार करना, कांग्रेस को दीमक बताना, कांग्रेस के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करना, इसकी जरूरत क्या? देखिए चुनाव का मौसम चल रहा है, हर नेता को अपने क्षेत्र में अधिकार है कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके बारे में तथ्य रखे जनता के सामने, और जनता तय करेगी। चुनाव आयोग है इस देश में, अगर कुछ गलत बोलती हैं तो उस पर संज्ञान चुनाव आयोग लेगा। लेकिन जिस प्रकार से परिवार की पादुका लेकर के परिक्रमा करने वाले उनके नेता और उनके समर्थक, जो उनकी सोच जो है वो महिला विरोधी साफ साफ दिखाई देती है। जो दलितों की बात कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने सभी मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को क्या चिट्ठी लिखी थी कि वो एकदम कड़े रुख के साथ आरक्षण के खिलाफ है, वो किसी भी तरह का आरक्षण नहीं चाहते, नहीं किसी तरह की नौकरियों में चाहते हैं। ये तो नेहरू जी की चिट्ठी थी ना सभी मुख्यमंत्रियों को। और जिस प्रकार से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में लेकर के लगातार 2014 से अभी तक आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसके बारे में चर्चा की जाएगी तो फिर कांग्रेस का इतिहास तो निकालना पड़ेगा ना भाई। आप मोदी जी को गालियां देंगे तो कांग्रेस के बारे में तो करेगा। और एक बात समझ लीजिए सौरभ, एक बात है कि आप उनके नेताओं को गाली देंगे तो वो भी आपको गाली देंगे। नहीं, मैं गाली देने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं गाली देने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है उस पर तो नेता रैली में बोलेंगे ना, और वो बिना गालियों के भाषा की जाती है। गाली देने के, देखिए गाली के बहादुर लोग तो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि वो हेमा मालिनी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार से कंगना रनौत जी को कितनी गालियां दी इनके नेता ने, तो क्या वो चुप बैठेंगे? क्या वो अपने शब्दों को, मर्यादित शब्दों के साथ कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपनी बात रखने का उनको अधिकार तो है ही है। हाँ, समझा दीजिए कुछ गली नुक्कड़ की लड़ाई में और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या अंतर रह गया।
कोई मुझ पे कीचड़ फेंके और मैं भी कीचड़ फेंकना शुरू कर दूं तो एक पब्लिक डिस्कोर्स और गली नुक्कड़ की लड़ाई में क्या फर्क रह गया, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे। आदित्य जी मैं आपको कह रहा हूँ कांग्रेस की जो है वो नीतियों में ही खाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी प्रकार के अपशब्दों के साथ खड़ी नहीं होती है, लेकिन वो अपना जवाब मर्यादित शब्दों में तो देगी ना भाई। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को बताया, उन्होंने कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्दों का तो प्रयोग नहीं किया जब आप कंगना रनौत को नाचने वाली गाने वाली बताती हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जाती है, इस देश में एक चुनाव आयोग है, अगर आप कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो चुनाव आयोग आप पे कार्रवाई करेगा, और यही बात सभी पार्टियों पे लागू होती है। लेकिन ठीक है अनुज आत्रे क्लोज करना चाह रहे हैं, एक क्लोजिंग कॉमेंट में उनका ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ये शो क्लोज करना है जल्दी से। अनुज आत्रे देखिए सीधी सी बात है, जो मुद्दा विहीन पार्टी है और उनके इस तरह से नेताओं को जो है एक्टर टर्न पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी को खोजने पड़ रहे हैं, और वो इस तरह की अगर अनर्गल स्टेटमेंट नहीं देंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये उनकी शैली है और मजबूरी है। अनुराग जी एक्टर टर्न पॉलिटिशियन आपकी पार्टी में भी है, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन दूसरी पार्टियों में भी है, इस तरह के मुझे इसी बात से दिक्कत है कि हम एक्टर्स को आप डिमीन क्यों करना चाहते हैं सर, और दूसरा सुनिए, अब शब्दों का इस्तेमाल किसी भी पार्टी द्वारा जायज नहीं ठहराया जा सकता पब्लिक डिस्कोर्स में। चलिए मुझे डिस्कशन क्लोज करना है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने इस डिस्कशन को ज्वाइन किया, और मैं चाहूंगी जाने से पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ये सुनवा दें कि क्या कहा कंगना रनौत ने, जिस पर ये पूरा लंबा चौड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन अभी आपने देखा। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जानबूझकर कांग्रेस पर इस तरह के प्रहार करती है, कांग्रेस के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं, और कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है, उसके समर्थक और उसके नेता ये भी मानते हैं कंगना रनौत हार रही हैं और इसीलिए इस तरह के बयान वो दे रही हैं। कंगना ने क्या कहा है, किस तरह दीमक से तुलना की कांग्रेस पार्टी की, बल्कि मुझे कहना चाहिए तुलना नहीं सीधे तौर पर कहा दीमक कहा, और अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी कहा, सुनिए खुद से। 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू आप सोच लीजिए उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था, फिर उसका सुपुत हुआ नेहरू, उनको क्यों सत्ता मिले कोई नहीं जानते क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया, उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ, जो मर्जी करी 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए, संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे ना जाने कितनी, मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहां पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में, जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं।